नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का कभी भी हो सकता है ऐलान, नए मतदान केंद्रों के लिए प्रक्रिया हुई शुरू, तबादलों का दौर हुआ तेज। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, अपने स्वर्गवासी पिता की याद में संदलपुर में बनवा रहे हैं स्कूल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के जनजातीय कार्यक्रम को लेकर दिया विवादित बयान, कहा यह जनजातीय सम्मेलन नहीं ठेकेदारों का सम्मेलन। प्रदेश में कोरोना के टीके की दूसरी खुराक ना लेने वालों पर लगेगा प्रतिबंध, मनोरंजन स्थल जैसे सिनेमाघर जू में जाने पर रहेगी पाबंदी। दतिया पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मां पीताम्बरा के दर पर टेका माथा। कोरोना वॉलंटियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री कमल पटेल, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का किया लोकार्पण। वहीं रतलाम जिले में शुरू हुआ वैक्सीन महाअभियान, सड़क से लेकर शादी समारोह में भी लगाए जाएंगे वैक्सीनेशन कैंप। प्रदेश में गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व की तैयारियां तेज, सजाए जा रहे हैं गुरुद्वारे, प्रदेश के सभी मुख्य गुरुद्वारों पर भव्य कार्यक्रम की हो रही है तैयारी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद अब सेहत के लिए जागरूक हो रहे हैं लोग, प्रदेश में साइकिल की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। और वहीं राजधानी भोपाल में ठंड के तेवर पड़े नरम, नहीं पड़ रही है ओस, विशेषज्ञ बोले ये सांस के मरीजों के लिए ठीक मौसम नहीं।